जय हिंद दोस्तों, आज एक नया सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो वैकेंसी निकल के आई है इसरो की ओर से। जो वैकेंसी निकल के इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई है ना, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हालांकि फुल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को हर चीज़ डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये भारत का नंबर वन टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल है जो कि सिर्फ ITI वाले, डिप्लोमा वाले, BTEC वाले के लिए ही बनाया गया है। अब देखो, ये जो वैकेंसी निकल के आई है पूरा डिटेल में बात करेंगे, हर चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन करके डिटेल में मेंशन जो भी किया गया है यहाँ पे मेंशन PDF में ना, हर चीज़ नहीं लिखा गया, लेकिन मैं आप लोगों को सब चीज़ में प्रूफ के साथ, एकदम लीगल प्रोसीजर के साथ आप लोगों को मैं हर चीज़ बताने का प्रयास करूँगा। ओके, अब देखो, ये जो वैकेंसी निकल के आई है कहाँ से निकल के आई है, इसरो की ओर से वैकेंसी निकल के आप लोग पता ही होगा, ये 9/12/2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। 31/12/2023 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पर भी मेंशन किया गया, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अब बात करते हैं डायरेक्टली कहाँ से वैकेंसी निकल गई है, ठीक है। ये देखो, हैदराबाद की ओर से वैकेंसी निकल के आई है NRSC की ओर से, ठीक है। NRSC के मतलब होता है नेशनल रिमोट साइनिंग सेंटर की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है ना, तो यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ IT टेक्निशियन B वाला जो पोस्ट है आप लोग का, देखोगे बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन संस्था है, मतलब कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्था मानो तो इसरो और DRDO से बढ़ के कोई नहीं है, ठीक है। नामे काफ़ी है, ब्रांड है ये, ठीक है। यही इसी जगह आप बोल सकते हो, अगर आप यहाँ पे जॉब ले रहे हो इसरो में, ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हो झमकावला से हो ही। ओके, समझ सकते हो। देखो यहाँ पे ना बहुत बड़ी ये संस्था है और बहुत ही बड़ी लार्ज में, मतलब कि बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, और इसमें अगर जॉब हो गया ना, इतना रॉयल वाला जॉब होता है, इतना प्रतिष्ठा मिलेगा आप लोगों को गाँव समाज मतलब कि कहीं भी जाइएगा तो क्या ही बताया आप लोग को, तो इसको गंवाना नहीं है। और हमें लगता है कि 2023 का ये लास्ट रहेगा, ठीक है, लास्ट वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कि सरकार निकाली है। अब देखो यहाँ पे वैकेंसी तो निकल के 52 पोस्ट वैकेंसी टोटल निकल के आई हुई है, और क्या चाहिए आप लोगों को, मैं हर चीज़ डिटेल में दिखाता हूँ। देखो टेक्नीशियन B, ओके, मैकेनिकल वाले के लिए, देखो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले की वैकेंसी निकल के 32 सीट पर वैकेंसी आउट हुई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, जैसे 16 UR में है, OBC में 10 है, और SC में 3 है, ST में 1 है, और EWS के लिए 2 है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया। एक्सर्विसमैन के लिए यहाँ पे एक पोस्ट रिजर्व है, वो चीज़ PWD वाले के लिए, ड्राफ्ट हैंड हायरिंग वाले के लिए, सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया, वो चीज़ पढ़ लीजिएगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो, सबसे पहले यही चीज़ यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पर SSC, ठीक ना, मतलब 10th पास हो या फिर ITI की हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। ओके, ट्रेड, और अगर आप 10th पास हो, ठीक है, ये चीज़ आपको समझाना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं समझाएंगे तो आप मिस कर जाइएगा अगर वैकेंसी आएगी तो, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आ रही है, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत बच्चों को तो पता होगा, बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा। अब देखो 10th पास हो आप इजीली, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस वाला, जो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, वो लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। 10th पास हो, ITI की हो, आप एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हो, चाहे जो भी ट्रेड यहाँ मेंशन किया गया, आप लोग का अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी निकली हुई है, तो आप लोग वहाँ पे एलिजिबल हो। ओके, लेकिन क्या है, जो बंदा ITI किया ही नहीं है, ओके, तो 10th पास है, NTC, ठीक ना, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, वो एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, या फिर ये तो NTC मिलता है, जो ITI करता है उसी को मिलता है NTC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलता है। NSC होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये 10th के बाद बंदा अप्रेंटिसशिप करता है तो ये सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप ITI किए हैं तो यहाँ पे देखो NCVT बोला गया, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, यहाँ पे बोला गया कि भैया यही लोग एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। SCVT वालों को यहाँ पे अभी मौका नहीं दिया गया, लेकिन जब फॉर्म को भरना स्टार्ट होगा, जब फॉर्म आप लोग भरने जाइएगा साइबर में, जब भरना स्टार्ट होगा तो वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे ले रहा है कि नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जब भी आप ITI कर रहे हैं तो NCVT से ही कीजिएगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल की जो भी जॉब होती है तो NCVT कंपलसरी कर देता है, कंपलसरी मांगता भी है, बहुत सारे संस्था है जो कि NCVT को ही लेती है, SCVT को नहीं लेती है, ठीक है। SCVT को नहीं कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट हैं जो करना चाहते हैं उनको भी रिकमेंड कीजिएगा कि भैया SCVT से मत करो, NCVT से करो, मान्यता प्राप्त संस्था से करो। अब देखो यहाँ पे क्या कि टेक्नीशियन B इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, भैया अब हम लोग आ गए, ये हम लोग का विभाग है और हम लोग का डिपार्टमेंट है, क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए है, ठीक है। तो 8 सीट पे वैकेंसी आउट हुई है, यहाँ पर भी सेम टू सेम वही टर्म एंड कंडीशन लागू होता है जो कि यहाँ पे था, सेम टू सेम 10th पास हो या फिर NSC की हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, आप एलिजिबल हो, या फिर NTC है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने, या फिर ITI की हो इलेक्ट्रिशियन से, आप एलिजिबल हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन वही होता है, ठीक है, डो नॉट मैटर कि आप क्या चीज़ से किए हो, इसे कोई मतलब नहीं है, बस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन, बहुत जगह इलेक्ट्रिशियन लिखा रहता है, बहुत जगह इलेक्ट्रिकल भी लिखा रहता है, समझ जाना।
अब देखो 9 सीट पे वैकेंसी आउट हुई है किसमें, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले के लिए। यहाँ पे 9 सीट पे वैकेंसी आउट हुई भाई, बल्क मात्रा में वैकेंसी निकली हुई है। किसमें सबसे ज़्यादा सीट है 32, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले के, उसके बाद से आप लोग का यहाँ पे टेक्नीशियन भी जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले, उसके बाद से इलेक्ट्रिकल वाले के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, 4 है UR में, OBC में 2 है, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, यहाँ पढ़ रहा हूँ, और SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, और EWS के लिए 1 है। ओके, OBC के लिए 2 सीट पे वैकेंसी आउट हुई है, तो आप फाइट कर सकते हो, बहुत कम नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। वह चीज़ आप लोग कह सकते हो कि मतलब वैकेंसी निकली हुई है ना यार, सरकारी निकली हुई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 निकालो, 20 निकालो, 50 निकालो रेडोमीटर, लेकिन निकलते रहे वैकेंसी, निकलते रहे, कंटिन्यूटी बनाए रखे, तो मज़ा आता है यार, पढ़ने में मज़ा आता है, या फिर हमें वीडियो बनाने में मज़ा आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है। ओके, तो कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। अब देखो आप लोग का यहाँ पे दूसरा है, आप लोग मैकेनिक हो गया, उसके बाद से टेक्नीशियन बी, ये जो फोटोग्राफर, मतलब जो भी स्टूडेंट फोटोग्राफर से किए हैं या फिर ITI किए हैं, या फिर ये ट्रेड होता है, अगर आप किए हो डिजिटल फोटोग्राफर फोटोग्राफर से हैं तो आप एलिजिबल हो, NTC है या NSC है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के, वो चीज़ यहाँ बताया गया। उसके बाद से नीचे आओगे ना तो डेस्कटॉप, ठीक ना, पब्लिशिंग ऑपरेटर वाला, ये पोस्ट है, आप लोग अगर किए हैं तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। ये ट्रेड यहाँ पे, ये ट्रेड ना बहुत बहुत कम देखने को मिलता है, ये सब ट्रेड तो मैं नाम ही नहीं सुना हूँ यार, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। उसके बाद से देखो यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ बताया गया, ओपनिंग डेट आप लोग का 9/12/23 से फॉर्म को भरना स्टार्ट आप कर सकते हैं, क्लोजिंग आप लोग का 31/12/23 रहेगा। यहाँ पर ना देखो और कुछ नहीं दिया गया, ये शॉर्ट PDF आउट किया गया, फुल PDF आउट कब किया जाएगा, 9/12 को आउट किया जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, अलर्ट हो जाइएगा जो नए स्टूडेंट होंगे तो। ओके, चलो दिखाते हैं आप लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टार्टिंग डेट तो आप लोग को पता ही है कि आप लोग का 9/12 से स्टार्ट होने वाला है, और क्लोजिंग आप लोग का 31/12/23 आप लोग का रखा गया। ओके, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से वैकेंसी निकल के आई है, वो चीज़ तो है। उसके बाद से एप्लीकेशन फ़ी नहीं, ये घट बढ़ सकता है, मैं आप लोग को ऐसे ही बता रहा हूँ कि 500 तो मतलब इससे पहले जब वैकेंसी आउट हुई थी तो 500 लिया गया था, 600 लिया गया था अप्रोक्सली, लेकिन अब की बार क्या करेगा वो अब बताएंगे आप लोगों को यार, ठीक ना। जब फुल एप्लीकेशन आउट होने दो, फिर मैं आप लोग को वीडियो बनाकर एक प्रॉपर तरीके से मैं लाइव आऊँगा, या फिर बोर्ड पर आकर मैं आप लोग को बता दूँगा। ओके, उसके बाद से यहाँ देखना, जो स्टूडेंट BHPCL के लिए धरना प्रदर्शन के लिए गए थे, ठीक है, थोड़ा बताना आप लोग, कमेंट करना कि क्या हुआ था वहाँ पे, जो गया है बंदा, ठीक है, मैसेज करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम एज 18 मिनिमम है, मैक्सिमम आप लोग का 35 तक आ गया, यहाँ पे हमेशा रखा भी जाता है, ठीक है, और यही रहेगा भी इतना तक, मतलब पूरा श्योर रहो, पूरा कंफर्म रहो कि भैया 18 से 35 रहेगा मिनिमम से मैक्सिमम एज, लेकिन एज़ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म एंड कंडीशन को देखते हुए 3 साल 5 साल 10 साल जो भी होती है आप लोग को छूट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब चलो दूसरा देखते हैं कि और क्या है आप लोग के लिए। उसके बाद से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस समझो, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का CBT के माध्यम से आप लोग का एग्जाम होगा। ओके, यहाँ पर टेस्ट विल बी द कंपटीशन 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग का रहेगा विथ एडिवेशन 90 मिनट टाइम में दिया जाएगा, 1 मार्क्स 1 आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, 0.33 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आप लोग का यहाँ पे स्किल टेस्ट, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए आप लोग का 1.5 का रेशियो आप लोग का रहने वाला, तो क्वालिफाई नेचर से रहेगा, देखो स्किल टेस्ट विल बी द प्योरली अनक्वालिफाई नेचर से रहता है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्किल टेस्ट जो ट्रेड टेस्ट होगा, उसको आप लोग बोल सकते हो ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट बोलते हो जो भी चीज़ है, तो वो आप लोग का क्वालिफाई नेचर का रहता है, लेकिन आप लोग को नंबर आप लोग को जो है इसमें आप लोग ज़्यादा फाइट करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन द रिटन टेस्ट विल बी द कंपेरिजन ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ ए ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट आप लोग को टाइम मिलेगा 80 क्वेश्चन टच करना है। और सैलरी देखो, सैलरी आप लोग का 766 रोडिंग आप लोग 21,700 से लेकर 67,100 के बीच में आप लोग को बनता है, मतलब लेवल 3 का सैलरी मिलता है। लेवल 3 का मतलब हो गया आप लोग 21,700 ये हो गया, इस पर इक्विपमेंट जुड़ेगा जब TA DA HRA अदर लाउंस जो भी होती है सेंट्रल लेवल वाला, और यहाँ पर के तो बातें छोड़ो यार, यहाँ पर ISRO का बात है, DRDO का बात है, कुछ और होता है, यहाँ पे अलग लेवल का ही हर चीज़ मिलता है, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारे इंक्रीमेंट यहाँ पे मिलता है आप लोग अगर नाइट ड्यूटी कर लेते हैं तो, वो तो बात अलग हो गया, ठीक है, जाने आने रहने खाने पीने सोने बाल बच्चा का पढ़ाने लिखाने सब चीज़ का फैसिलिटी मिलता है। ओके, अब देखते हैं और भी जगह, यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया गया आप लोग का पोस्ट वाइज, मैं आप लोग बता ही दिया था किसमें कितना सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के देख लो 32 है, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए 8 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 9 है, और जो फोटोग्राफी के लिए जो है 2 है, और उसके बाद डेस्कटॉप यहाँ पे पब्लिशिंग के लिए 2 है। यही आप लोग का वैकेंसी आने वाली है और आ गई है, ठीक है, आप लोग फॉर्म को भर सकते हो, 9/12 से भराना स्टार्ट होगा, 31 तक आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए।
तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब चीज़ मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता ही दिया हूँ। ओके, मैं एक वीडियो बना देता हूँ और भी आकर डिटेल में, अगर आपको जानना होगा तो कमेंट करना और भी डिटेल में आप लोग को बता दूंगा हर चीज़, हालांकि मैं सब चीज़ बता ही दिया हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। ओके, और देखो यहाँ पे ना ध्यान रखना, SC VT को नहीं मौका दिया गया है, हमेशा ध्यान रखना। SC VT को नेशनल काउंसिलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग को भी सिर्फ मौका मिला है, और SC VT स्टेट काउंसिलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग जो करते हैं, SC VT से मान्यता प्राप्त जो संस्था से करते हैं NTA, उनको मौका नहीं दिया गया है, एक बात हमेशा ध्यान रखना। और अगर मौका दिया गया होगा तो PDF में लिखा गया होगा, जब वैकेंसी आउट होगी, फुल एडवर्टाइजमेंट जब आउट होगी 9 तारीख को, तो मैं आप लोग बता दूंगा, या फिर जब आप फॉर्म को फिलअप करने जाओगे तो वहां पर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि भैया वहां पर ले रहा है कि नहीं, एक्सेप्ट ले रहा है कि नहीं SC VT वालों को। ओके, पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी स्टूडेंट को मास्टर कोर्स ज्वाइन करना होगा ना, मास्टर कोर्स समझ रहे हो ना, आप लोग के लिए मक्खन चीज़ मैं आप लोग को निकाल कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, पहले पढ़ना, ठीक है, संतुष्ट होना, फिर जाकर कॉल करना, नंबर दिया गया व्हाट्सएप पे। आप लोगों को ना इतना बेहतरीन तरीका से आप लोग के लिए जो मास्टर कोर्स बनाया गया है, इतना बेहतरीन है कि अगर आप पढ़ लेते हैं ठीक से, अगर आप कोर्स ले लेते हैं, 499 का ही सिर्फ रखा गया है, ठीक है, भारत में सबसे कम पैसा में आप लोग इतना कुछ दिया जा रहा है कि क्या ही बताएं आप लोगों को। रमन सर का वीडियो जो एकदम सिलेबस वाइज आप लोग का, सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले के मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए मैं ये कोर्स लॉन्च किया हूँ, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 70 33 40 81 17 पर आप SMS करना, व्हाट्सएप SMS करना, आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा, मास्टर कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को पहले डिस्क्रिप्शन जाकर पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा ठीक से, संतुष्ट हो जाइएगा कि सर क्या क्या देंगे हमें जब हम ज्वाइन करेंगे तो, या फिर लेंगे तो। ओके, सब चीज़ आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप लोगों को सब चीज़ मिलेगा, लिंक क्या हो गया, या फिर PDF हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, उस कंपटीशन बुक का PDF हो गया, इसके साथ सर का हो गया पूरा बुक का PDF हो गया, या फिर रमन सर का पूरा वीडियो हो गया, 500 प्लस में रहेगा, मेरा हैंड्स नोट्स बुक हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसरो सेल गेल वेल जो भी है, VHPCL UPPCL जो भी है, UPMRC आप लोग का, JMRC हो गया, DMRC हो गया, सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 12,000 प्लस में रहेगा। ओके, तो आप लोग देखना, ट्रस्टेड होना, फिर जाकर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोर्स को ले चुके हैं और बहुत तो जॉब कर रहे हैं यार, ठीक है, तो जाओ ज्वाइन करो और ज़िंदगी को सफल बनाओ, बस इतना ही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि पढ़ो और दबा के पढ़ो और जॉब लो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ओके।